कॉमेडी सर्कस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। क्या आपको पता है एक सक्सेसफुल मर्द कौन है? वही जो अपनी वाइफ के खर्चों से ज्यादा कमाए। और क्या आपको पता है एक सक्सेसफुल औरत कौन है? वही जो ऐसा कमाऊ पति ढूंढ ले। मुझे पता है कि कुछ मर्दों को आज शायद मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी, पर थोड़ा बैर करना पड़ेगा क्योंकि आज है हमारा विमेन्स स्पेशल एपिसोड। और आज इस शो में हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने बेटी, बहन, पत्नी, सास, माँ जैसी औरतों के कई रूप ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बखूबी निभाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द मोस्ट चार्मिंग एंड अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस स्टिल यंग एट हार्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द फैंटास्टिक फरीदा जलाल। नानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाई, मैंने सुना कि ये वुमेन स्पेशल हो रहा है, तो मैं पीछे कैसे रहती? मुझे तो आना ही था। बिल्कुल, लेकिन ये आपके हाथ में क्या है? ये एक मीटर है जो मैं अपने साथ लाई हूँ, क्योंकि आपके शो में तरह तरह का मजाक होता है ना। आज औरतों का मामला है, तो मुझे जब लगेगा कि ये मजाक ऐसा है जो हर औरत खुश होकर सुनेगी, तो ये मीटर ग्रीन पर रहेगा। और जब मुझे ऐसा लगेगा कि ये कुछ औरतें सुन सकती हैं और खुश हो जाएंगी, तो ये ऑरेंज पे चला जाएगा। और जब मुझे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी नो 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 नो, तो ये रेड पे चला जाएगा। समझ गई? जी हाँ, बिल्कुल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फरीदा जलाल। इट्स टाइम नाउ टू बिगिन द शो। तो आ रहे हैं औरत को मसीहा मानने वाले, द ग्रेट शाने शकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और हम अपने मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं, फरीदे जी को। मैं बचपन से इनकी फिल्में देख रहा हूँ। अब तुम सोच रहे हो बचपन से फिल्में देख, मेरे पे बचपन नहीं आए थे, मैं इतना बड़ा पैदा हुआ था। देखो, औरत सच्ची बताऊं, औरत हर रूप में टेंशन है। मीटर 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 मीटर। हाँ, नहीं ये रेडी है वैसे। अब शुरू हो जाइए। लो भाई, औरत के पांव के नीचे जन्नत है। हाय हाय हाय, एब्सोल्युटली। औरत को मुतमईन करना बहुत मुश्किल है। शेखर भाई, आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक पति ने अपनी बीवी से कहा, जानू मैं तुम्हें 1000 साल तक सच्चा प्यार करूंगा। अरे अच्छा, उसके बाद कहीं मुंह जरूर मारोगे। तो ये मसला है। आज तुम तो बच गई, और औरतों को औरतों पे बोलना है। और आज आप कुछ बुरा बोल नहीं सकते क्योंकि तुम लड़की हो। बिल्कुल, तो अब जाके बैठ जाइए। ये खबर कहाँ से आई है? जाइए, जाकर बैठ जाइए। बारी है हमारी ओपनिंग जोड़ी की, जिन्हें समझने के लिए आपको 5वीं पास से तेज होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए कैसे इस रियलिटी शो का हुआ बंटाधार जब पड़ी इस औरत की मार, जो 5वीं फेल से भी गई गुजरी हैं। खेलने आ रही हैं कंटेस्टेंट शयंतनी विद SRK, यानी शाह रुक रुक कुलदीप। इन क्या आप 5वीं फेल से गए गुजरे हैं? वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में, हमारी पाठशाला में। आइए शुरू करते हैं। क्या आप 5वीं फेल से बुद्धू हैं? प्लीज गिव अ बिग हैंड। हमारे साथ आ रही हैं कमला जी इंदौर से खेलने के लिए। इन्हें आप कम्मू कह के भी बुला सकते हैं। प्लीज जोरदार तालियां कमला जी के लिए। कमला जी, वेलकम टू क्या आप 5वीं फेल से बुद्धू हैं? थैंक यू। कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं क्या बीमारी से उठ के आई हूँ? मेरा मतलब है, अपने बारे में कुछ बताइए। आप हमारे शो में आई, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक समाज सेविका। ओह, देखिए कमो जी एक समाज सेविका हैं। ये महिला सशक्तिकरण की अध्यक्ष हैं, महिला कल्याण विभाग की संयोजक हैं, और महिला हिंसा रोको अभियान की संचालिका भी हैं। मतलब कमो जी आप जो भी हैं, महिलाओं की हैं, पुरुषों की कुछ भी नहीं हैं। हूँ ना, पुरुष कुटाई केंद्र की संचालिका भी हूँ। देखिए, कुटाई से पहले मैं खेल शुरू कर देता हूँ। कमो जी, खेल के नियम तो आपको पता ही है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देने होंगे। आप यहाँ से जीत सकती हैं 5 करोड़ रुपए। एक मिनट, जो बच्चे तुम्हारी सहायता के लिए है वो बच्चे का है? ओके, मैं बता देता हूँ। ये बैठे हैं बच्चे आपकी सहायता के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ आपकी सहायता के लिए ये चार आ नहीं सकते, और वो नालायक अंगूठा छाप है। ठीक है, फिर वहाँ बैठी उस बच्ची को यहाँ बुलाओ। ओके बच्चे, आर यू रेडी? तो ठीक है, कम्मो जी की सहायता के लिए श्रुति है तैयार। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लेकिन लेकिन
अगर आपने यहाँ से 5 करोड़ रुपए नहीं जीते तो आपको उस कैमरे में सामने देख के बोलना पड़ेगा कि मैं 5 भी फल से बुद्धू। कमो जी देखिए, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, खेल शुरू करता हूँ, लेकिन आपको आपका सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। मेरा सब्जेक्ट है 5वीं का इतिहास। 5वीं का इतिहास कमो जी ने चुना है। पहला सवाल कमो जी के लिए ये रहा 10,000 रुपए का, चंगेज खां के बाप का नाम क्या था? मार क्यों रही हैं आप, मार क्यों रही हैं? ये 6वीं के इतिहास का है। मैम सॉरी, मुझे मैम सॉरी, देखिए कमो जी मुझे खुद नहीं मालूम था। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। पूछो। ये रहा आपका सवाल 10,000 रुपए के लिए, चंगेज खां की माँ का नाम क्या था? लगता है कान में बताएंगे। ये 7वीं के इतिहास का था। देखिए I'm sorry, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। चंगेज खान चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए अब क्या हुआ, मैंने क्या किया? बात बताओ, अगर चंगेज खान का पिता 6वीं में आया, उसकी माँ 7वीं में आई, तो चंगेज खान 5वीं में कहाँ से पैदा हो गया? देखिए ये तो आप चंगेज खान से पूछिए। देवी जी, मैं आपके चरण छूता हूँ, आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, और मैं उस सामने वाले कैमरे में कहता हूँ कि भारत में महिलाओं का अजीब खेल है, और मैं ये किंग खान 5वीं पास नहीं, 5वीं फेल है। थैंक यू। तो फरीदा जी, आपके मीटर के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस कौन से रंग पर आकर रुकेगी? वैसे ये मीटर मैंने उनके लिए रखा था अपने हाथ में, कि ये जो हमारे जेंटलमैन जितने हैं वो इस पार या उस पार होंगे, लेकिन यहाँ तो महिला कुछ है ना, ऑरेंज तक चली गई थी, बट वेरी वेरी गुड। शुरुआत बहुत अच्छी थी, और मुझे कहीं ना ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा स्लैक हुआ, इसलिए अच्छा होते होते ये परफॉर्मेंस रह गया। आई लाइक टू गिव यू एन 8 पॉइंट। कुलदीप, आपने बहुत अच्छी तरह वो जो शाहरुख का जो एक वो टेक ऑफ बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही ह्यूमर नहीं आ सकता। आई एम ऑल्सो गोना गिव यू स्टीलिंग फ्रॉम शेखर। नहीं, ये नहीं दूंगा, मेरा नहीं, है, मेरा ये अच्छा। उनका है, फिलहाल उनका है। तुम अच्छा। तुम्हारे लिए इससे भी कम है मेरे पास। हाँ, 8 पॉइंट। कुलदीप और शायन तेनी, आप दोनों ने अपने लिए एक बेंचमार्क बना रखा है। आप लोगों ने इतना बेहतरीन किया था लास्ट टाइम, उसके मुकाबले मुझे ज़रा सा वीक लगा, और शायन तेनी आप ज़रा ज़्यादा ही फॉर्म हो गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पुराने बदले ले रही हैं इससे। आई विल गिव यू 9। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू कुलदीप, थैंक यू शायंतनी। आपको तो पता है कि हम औरतों का मुकाम किसी से कम नहीं है, हम मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चलती हैं, चाहे इसके लिए हमें हाई हील्स क्यों ना पहने पड़े। हम में बहुत पार होता है, किसी भी फील्ड में मर्दों को कांटे की टक्कर दे सकती हम, मतलब कांटा चुभा कर टक्कर दे सकती हैं। अब और क्या कहूँ, आगे औरतों की तारीफ करने के लिए हमारे सताए हुए एक मर्द अपनी शान पट्टी के साथ लाते हैं। आइए शाने शकील। अरे कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, मार्केट में जरा कंधे लग जाए शुरू हो जाती, तेरे घर में माँ बहने नहीं कमीने। अपरा जी को कहा गया था औरतों की पपीदा, बपीदा बहुत बड़े कलाकार है माशाल्लाह, उनको कहा बपीदा। मैंने सोचा अगर बपीदा और अपरा जी को लेके फिल्म बनाओ, अब इनका इश्क चल गया, फिल्म शुरू हो गई समझ लो, इश्क चल गया, गाना शुरू हुआ, आओ सीने से लगे के मर जाए। कोरियोग्राफर परेशान हो गया, सीना कहाँ लगा, बीच में पेट आ रहा है। बोला गाना चेंज कर दो, गाना चेंज हो गया, चलो तोंदे लड़ाए, चलो तोंदे लड़ाए, चलो। अब इनकी शादी हो रही है, शादी हो गई, दूसरे मंजिल पे सुहाग रात का सीन है, बबीदा दाखिल हुए, घूंघट उठा, जैसे ही बैठे छत बैठ गई, दोनों ड्राइंग रूम में। अब फिल्म बन गई है, अब वो पर्दा नहीं मिल रहा जिस पे रिलीज किया जाए। आ रही है हमारी अगली जोड़ी, जिसे सब डरते हैं, उस पठान को पहुंचा रही है शमशान एक औरत जिसकी कीर्ति है महान। प्लीज वेलकम वो औरत, आकाश दीपिका और परवेश पठान। हाय हैंडसम,
दीदी कैसी हो? सेक्सी। कहीं किसी के कैचर न खुला खंदल माखा हुआ मड़वा में के जमा जनाना मड़वा में के वाह मेरा बुलबुल पलट तेरा ध्यान किधर है ले छवनी घर का पता बता किधर है। बदतमीज चले जाए यहां से। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मजबूरी है। हमको हर औरत जाते हुए अच्छा लगता आते हुए नहीं। तुम चाहते क्या हो? अभी सबके सामने क्या चाहे? कभी अकेले में आओ गपशप मारेगा। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? नहीं, पेशावर गया हुआ घर खाली है, चले। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती है, 12 बजे आती, 12:15 बजे चली जाती। मैं जा जा जाती हूँ, तुम वहाँ वहाँ क्यों आते हो? तो तुम वहाँ वहाँ क्यों जाती है? जा जा आ जाता है। तुम वहाँ वहाँ जाओ, जहाँ जहाँ हम पहले से अवेलेबल होवे। अभी बताऊँ सबको मर्द कैसे होते हैं? मर्द नेचुरल ब्यूटी। 16 रुपए का रेजर ले आओ, पहला करता चन, दूसरा चू, चा 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 चा। रुको, अभी मैं अपने भैया को बुलाऊंगी। बुलाओ भाई को, बुलाओ, वही तो चाहता है। मतलब ये कि हम तेरा भाई से तेरा हाथ मांगेगा। तुम औरतों को अपने पैरों की जूती समझते हो? औरत एक खूबसूरत किताब है, पढ़ के रद्दी कौन करता है? शर्म औरत का गहना है। तभी तुमने ये बदतमीजी वाला लिबास पहना है। देखो औरत रात का सन्नाटा है, मर्द उसी सन्नाटे में भौंकने वाला कुत्ता है। औरत चट्टान है, मर्द पठान है तेरे सामने। स्टूपिड इडियट रास्कल, तू पठान नहीं, तू शैतान है। क्यों? आज वुमेन्स डे है, वुमेन्स डे। अल्लाह माफ करे, हम घर से निकला तो संडे था। शदाब, आज औरतों का दिन है। अच्छा ऐसा बात करो, औरत का दिन है तो हम तो ऐसी मजाक कर रहा था लंबर लेने के वास्ते। तुम तो हमारा बहन है, बाजी है, सिस्टर है। आप हमारा बहन है, बेल है। पैर छू इधर, ठीक है। फरीदा जी कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? वेल, ये थोड़ी सी और इनसे भी थोड़ी जा रही थी, लेकिन फिर थोड़ी ठीक हो गई। पठान साहब तो लाजवाब थे, आपका लहजा, आपका आपकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, एंड यू आकाश, दिस सम सरप्राइज फ्रॉम यू, वेरी गुड। थैंक यू। आप जो पठान प्ले कर रहे थे परवेज, यू आर माइंड ब्लोइंग। एंड आकाश, थ्रेडिंग नहीं कराई तुमने, लेकिन बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी आपने। आपको मिलते हैं इसके लिए 9 पॉइंट्स। पहली दफा इसकी शक्ल देखी, वरना उल्टा ही देखा है। थोड़ा सा डिप आ रहा था, लेकिन एज कम्पेयर टू व्हाट यू बीन डूइंग इट वाज एक्सीलेंट, और इसलिए मैं भी आपको 9 दूंगा। थैंक यू। 9 पॉइंट्स। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया किया इस बार आपने। आप ठान के आए थे और आप पठान के आए थे, दोनों मिलके आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा, शायद कोई अरसा गुजर गया है जहां आपने ये नंबर नहीं देखा। आई लाइक टू गिव यू दिस। लव यू सेक्सी। थैंक यू। इट्स टाइम नाउ फॉर आवर नेक्स्ट जोड़ी। औरत चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, इशारों पर देश चला सकती है। तो ला रहे हैं ऐसी ही एक लेडी, स्वदेशी माता विद अ विदेशी टच, सुचेता सोनिया, जो दे रही है दूसरे देश के भाईजान सलीम मुशर्रफ को टक्कर। चेक दिस वन आउट। सोनिया साहिबा, आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी तरफ से खुदा हाफिज। गुड वन। ये क्या कह रही है सोनिया जी, आप तो हमारे कुछ वकीलों और कुछ नेताओं की जबान बोल रही हैं, वो भी हमें आजकल खुदा हाफिज कहना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं मुशरफ साहब, आप अपना दौरा मुकम्मल करके जा रहे हैं तो हमने सोचा आप ही की जबान में आपको रुखसत कर दूं। गुड।
जबान तो आपकी बहुत अच्छी है सोनिया जी, लगता है हिंदी इंग्लिश में बोल रही हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ की फिल्म स्टार मीरा हिंदी फिल्मों में इंग्लिश काम करती है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से मनु जी से सीखा। ये कौन मनु? मनमोहन जी। वो तो खुद अपनी हिंदी पंजाबी में बोलते हैं। आपकी जुबान कैसी है? खुद देख लीजिए। अटल जी का सुना है? उनकी शायरी उनकी कविताएं कैसी चल रही हैं? जैसे वो खुद चलते हैं। अडवाणी जी का सुना है? उनके बाल बच्चे कैसे हैं? उनके बाल तो अभी बचे नहीं हैं। हाँ तो बाल कहाँ से बचेंगे? उनके बाल तो ये सोच सोच के उड़ गए, कब पीएम बनूंगा, कब पीएम बनूंगा, कब पीएम बनूंगा। अच्छा आप बताइए हमें, हम कैसे मेहमान नवाज हैं? देखें आप तब आए नहीं, मेहमान तक ठीक है, नवाज का नाम न लें। वो क्यों? क्योंकि मैं शरीफ नहीं रहता फिर। अच्छा ये बताइए आजकल आपके देश में कौन कौन सुर्खियों में है? हमारे देश में आजकल सुर्खियों में शोएब अख्तर है। आहा। और आपके यहाँ? जावेद अख्तर। एक ही बात है, हमारा वाला खेलता नहीं है, आपका वाला किसी को खेलने नहीं देता। ये बताइए आपके खिलाड़ियों ने आईपीएल में अच्छा क्यों नहीं खेला? खुद मैच में जाके देख लो, वो जो चेयर गर्ल डांस कर रही होती है, हमारे वाले तो तरसे हुए बेचारे। अफरीदी तो बहुत छक्के मारता है वहाँ पे, यहाँ क्या हुआ? अफरीदी तो डांस के खिलाफ है, इसलिए उसने यहाँ छक्के नहीं मारे, छक्के मारेगा वो डांस करेंगी। आप ये बताइए आपके बेटा राहुल कैसा है? अच्छा है, आजकल देश भ्रम पे निकला है। देश भ्रम? नो, देश भ्रमण, भ्रमण पे निकला है। ये बताइए पॉलिटिक्स आपको पसंद है? हाँ पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, मगर मैं जनता के साथ नहीं अच्छी चीज समझता, इसलिए सिर्फ पॉलिटिशियंस के साथ पॉलिटिक्स करता हूँ। हमारे देश में तो पॉलिटिक्स एक कला है, एक आर्ट है। हमारे देश में मार्शल लॉ एक आर्ट है जी? नहीं, मेरा मतलब है पॉलिटिक्स मार्शल आर्ट है। डिशू डिशू तू उतर मैं बैठूंगा। आपको हमारी दोस्ती पसंद है या दुश्मनी? दोस्ती अच्छी चीज है, दोस्ती अच्छी चीज है, क्योंकि दोस्ती में बंदा अक्सर वो काम भी कर जाता है जो दुश्मनी में भी नहीं कर पाता। बहुत सही कह रहे हैं आप, मैं आपको दिल से सलाम करती हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फरीदा जी कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? जिस एक्ट का हिस्सा सोनिया जी हो वो तो बिल्कुल ही ग्रीन पे रहेगा ना। लेकिन आई फील दिस एक्ट इज डेफिनेटली मोर डायलॉग ओरिएंटेड देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। फिर भी जितना आप उस दायरे में कर सकते थे आपने बखूबी किया। थैंक यू मैम। आप दोनों लग रहे हैं बिल्कुल जो आप पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेम्पो नहीं बना एक्ट का ज़्यादा। ये एक्ट बहुत माइंड ब्लोइंग हो सकती थी लेकिन उस मकाम पर पहुँच नहीं सकी। So, इस कॉन्सेप्ट के लिए भी आपको मैं मार्क्स देती हूँ, तो देयर इज एन 8 फॉर दिस। 8 पॉइंट। डिस्पाइट वेरी गुड कैरेक्टराइजेशन बाय बोथ द एक्टर्स, नॉट क्वाइट अप टू द मार्क। थैंक यू। 7 पॉइंट्स। जिस तरह आपने कैरेक्टराइजेशन किया वो भी कमाल का था। दोनों आप सोनिया जी लग रही थी, आप मुशर्रफ साहब लग रहे थे, लेकिन रुक रुक के गाड़ी चल रही थी आप लोगों की। ओवरऑल आई वॉज नॉट अनहैप्पी अबाउट इट, सो आई विल गिव यू 9। 9 पॉइंट्स। थैंक यू सुचेता, थैंक यू सलीम। बेवजह आंसू बहाने वाली ड्रामेबाज पत्नी जिसके साथ कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट कर लो वो अच्छाई में बुराई ढूंढ ही निकालती है। और मैं आपको बता दूं कि ये औरतों की एक बहुत खास क्वालिटी है। ऐसी ही एक ड्रामेबाज पत्नी राजीव सुना रही है अपना दुखड़ा अपने बेचारे पति राजेश को। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजेश एंड राजीव। मेरी जिंदगी एक जुआ बनकर रह गई, जिस लड़की से प्यार किया था वो मेरे बच्चे की बुआ बनकर रह गई। भाई मेरी जो मौजूदा वाइफ है ना, करेंट वाइफ, पर्सनल प्राइवेट वाइफ, देखने में तो बम है, पटाखा है, रापचिक है, ऐसा मोहल्ले के लौंडे बोलते हैं। अच्छा मैं कुछ कह दूं, सच्चाई ये है कि एक नंबर की कमीनी, हलकट, कामचोर, टी टी टी
ऐसा हम नहीं बोल सकते, हमारी अम्मा कहती है। आप सोच रहे होंगे हम क्यों नहीं बोल सकते, तो उसके पीछे एक वजह है, हमारी औकात सुदेश और कृष्णा की तरह है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि घाट घाट का पानी भी मतलब पिला चुकी है, और एक गिलास पानी मांगो तो तांडव करती है, सर पे चढ़ के इतना ज्यादा बोलती है कि जिंदगी में कभी कुछ आगे आदमी बड़ी नहीं पाता है। क्या बोल रहा है उतनी देर से अकेले में? हाँ अरे नहीं कुछ नहीं, बस हम ये कह रहे थे कि आज की रात बस करो, रात में तुम्हारी हमको याद आती है बस। अरे हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि आज की रात हम बाहर जा रहे हैं, मेरा अटैची ठीक कर दो। अटैची? हे भगवान, जब देखो तब काम पे लगा देते हैं, अटैची ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हम फटके चार हो जाए, सारा दिन घर में काम करते थक जाते, हमारा मूड कितना फिरा रहा है तुमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, अटैची ठीक कर देंगे, आज तक कभी हमको 100 रुपया की साड़ी ला के नहीं दिया तुमने। चलो अपनी आंखें बंद करो। आंखें? हाँ बस ये तो यही चाहते कि हमारी आंखें बंद हो जाए, हम मर जाए, खप जाए, लुट जाए, और ये अकेले गुलछर्रे उड़ाए। अरे वैसा नहीं है, हम कह रहे हैं कि बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो ना डार्लिंग। लो थोड़ी ज्यादा देर के लिए करो ना, हम तुम्हारे लिए सरप्राइज लाए हैं। सर पे प्राइज रख दो हमारे, और तू बात करते हो। ठीक है देखो ये साड़ी देखो कैसी है। साड़ी? अरे राम, ये दुई कौड़ी की साड़ी उठा के लिया, इसको काम वाली महरी ना पहने। अरे ऐसा ये 100-200 रुपया डाल के कुछ अच्छी ले आते, हमारे तो गर्मी फूट गए। हमारे तो गर्मी फूट गई, ये आदमी तो हमारे पास ठीक है। ठीक है तुम जाओगी, हम जरा टीवी देख लें। ये देखो ये टीवी देखेंगे, टीवी में क्या देखता है पता है? जो मैच खत्म होता है ना तो वो क्या नाम है कलमुही प्रीति जिंटा और वो युवराज सिंह की चूमा चाटी देखते हो तुम, हमें सब पता है। तुमको हमसे सब तरह का प्रॉब्लम है, अम्मा बाबू जी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे राम रे, उन्हीं से तो प्रॉब्लम है, बुड्ढे बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हे राम, वो तुम्हारी अम्मा है ना, एक नंबर की कमी नहीं है। ऐसा क्या कर दिया अम्मा ने भाई? आज हम तो सुबह सुबह कह रही थी बहू आज तुम सिर्फ चाय बना लो, बाकी घर का खाना पीना झाड़ू कटका मैं कर लूंगी, इतनी काम चोर है वो। इसमें क्या दिक्कत है, तुम्हारे ही भलाई के बारे में सोची है ना। अरे तो कोई परवाह नहीं इस घर में। अरे है तुम्हारी परवाह भाई, अब क्या हो गया, तुम काहे इससे बात कर रही हो? अरे तुमको कोई परवाह नहीं, तुम तो सुबह काम पे चले जाते हो रात में आते हो, वो सामने वाला मुच्छल हमको सारा दिन घूर घूर के देखता है। अरे बाप रे, उसकी हिम्मत? हिम्मत की बात मत करो, कल तो घर पे भी आ गया था। अरे बाप रे बाप, पूरा डिनर करके गया है, राजमा चावल अचार पापड़ साथ में स्वीट भी खाया था। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। डार्लिंग हम अभी देख के बताते हैं उसको। अरे तुम क्या देखोगे, अब वो नाइट ड्यूटी पे काम पे चला गया है, तुमको तो मेरी परवाह ही नहीं है। जहाँ भी होगा वहीं पकड़ के सूत देंगे, हमारा वादा है। अरे तुमको क्या मालूम कहाँ काम करता है, घंटाघर बिस्कुट कंपनी में काम करता है वो। हम वहीं देख के आते हैं इसको। बता इनको तो हमारी परवाह ही नहीं है। पूरी रात ढूंढे कमबख्त कहीं नहीं मिला, मिलेगा कैसे, तुमको तो परवाह ही नहीं है, तुम रात में उधर गए, तुम्हारे पीछे कमीना इधर आ गया, रात भर इधर ही था। राजीव, आप वो औरत हैं जिस पर अत्याचार होना चाहिए। देखते हैं फरीदा जी क्या कहती हैं। फरीदा जी, अब हम औरतों के मतलब फेवर में क्या कह सकते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन यू आर सुपर्ब, दैट्स द वर्ड फॉर यू, सुपर्ब। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस शो में आप लोग अपना लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, उस तरह से पूरी तरह से अब महिला बनके स्थापित हो जाइए आप। कुल मिलाकर बहुत ही मनोरंजक था। आई विल गिव यू अ 9। थैंक यू सर। 9 पॉइंट। रजनी निगम, कैसी हैं आप? और राजेश जी, आपने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन सपोर्टिंग रोल में थे आज आप। मैं तुम्हारे एक्ट को आर्ट देती हूँ, लेकिन तुम्हारे अगेन 1 मार्क ओनली फॉर यू राजू, फॉर योर परफॉर्मेंस। थैंक यू। एनर्जी लेवल पर कमाल थे राजीव का, मैं भी आपको 9 दूंगा। थैंक यू।
थैंक यू राजेश, थैंक यू राजीव। वेल, औरतें क्रिएटिव फील्ड में भी डंका बजा रही हैं। नेक्स्ट आ रही है राइटर चित्राशी, जो जानना चाहती हैं डायरेक्टर रहमान से फिल्म के सीन में हीरोइन के नहाने की वजह। अब ये सीन क्रिएट करते करते क्या सीन क्रिएट हुआ, ये आप खुद ही देख लीजिए। हेलो जी, आपने टाइटल रजिस्टर किया, लिखिए अबला नारी। ऑलरेडी रजिस्टर है तो ठीक है, लिखिए अबला नारी काम भारी। ओके हाँ, तो मैडम आपने वो नहाने का सीन लिखा? नहीं सर, मेरे हिसाब से हीरोइन का नहाने का सीन तो बनता ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। तुम क्या समझते है, तुम नहाने का सीन नहीं लिखोगे तो लोग नहाना छोड़ देंगे? अरे सर, ऐसे सीन से बिगड़ते हैं बच्चे, बिगड़ते हैं। देखो, देश को हेल्दी एंटरटेनमेंट की जरूरत है, है। नहाना हेल्थ के लिए जरूरी है, है। तुम रोज नहाती हो, ऑफ कोर्स सर। तुम हेल्दी हो तो लिखो। अगर हीरोइन नहीं नहाएगी तो उसके जिस्म से बदबू आएगी, उसके जिस्म से बदबू आएगी तो हीरो उसके पास नहीं जाएगा, हीरो उसके पास नहीं जाएगा तो फिल्म ट्रेजेडी हो जाएगी ना। मेरी समझ में बात नहीं आई कि जो सीन है ना, आप उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो ऐसे डायरेक्ट पूछो ना। देखो, हीरोइन बाथरूम में नहाने जा रही है, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है। डायरेक्ट दिखा देंगे? नहीं, हीरोइन बाथरूम में नहाने जा रही है, उसके घुटनों का क्लोजअप, चेहरे का क्लोजअप, घुटनों का, उसके बाद घुटने धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। सर, बाकी इससे कहाँ है? Hey! तुम क्या बाकी हिस्से ड्राइंग रूम में छोड़ के आती हो? देखो, बाकी हिस्से भी दिखाई देंगे लेकिन इस वक्त घुटने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हीरोइन बाथरूम पे जाती है, दरवाजा खुलता है, ठका, नल का क्लोजअप, शावर का क्लोजअप, बाल्टी का क्लोजअप, इसका क्लोजअप, उसका क्लोजअप। कहाँ है सर? हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब हो रहा है। उसके बाद कैमरा पानी को फॉलो करता है, पानी नल से जा रहा है, पानी गटर में गया, गटर से नाले में, नाले से बड़े नाले में, बड़े नाले से दरिया में, दरिया से समंदर में, उसके बाद समंदर से नाले से गटर से लेकर सीधा पानी बाथरूम में आता है। हीरोइन नहा चुकी है, कपड़े भी पहन चुकी है, उसने तौलिया लपेटा हुआ है। फिर हीरोइन के टखनों का क्लोजअप और तौलिया फर्श पे अचानक गिर जाता है, ठका, और स्क्रीन पर आता है इंटरवल। इंटरवल के बाद सर नहाने का दूसरा सीन। लेकिन वो तो बहुत बाद में है। देखो, जितने जल्दी नहाने का सीन होता है उतना ही कहानी के लिए अच्छा होता है। और हमारे देश में हीरोइन का बाथरूम में नहाना किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है। हीरोइन इस अदा से बाथरूम की तरफ जाती है, ऐसा लगता है कि जिंदगी में पहली बार नहाने जा रही है। और वो सीन देखने लायक होता है, कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे डायरेक्टर, डायरेक्टर के पीछे कैमरामैन, कैमरामैन के पीछे लाइटमैन, लाइटमैन के पीछे यूनिट, यूनिट के पीछे स्पॉट बॉय, और टिकट खिड़की से एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, सौ, हजार, लाख, करोड़, और देखते ही देखते झरनों, नदियों और झीलों वाला देश एक बाथरूम में समा जाता है। थैंक यू सर। फरीदा जी, वैसे मीटर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये डेफिनेटली ऑरेंज में है, क्योंकि नहाना, बाथरूम, टॉवल एंड पता नहीं, पर थैंकफुली वहीं तक रहा। उसके अलावा आई थॉट, आई एम सॉरी बट इट वाज अ लिटिल टीडियस। टू पुट इट वेरी माइल्डली, आई वाज ह्यूजली डिसअपॉइंटेड। शरद जोशी जी का आपने जो भी किया, दैट बिकेम लाइक सैड जोशी। शरद जोशी जी के प्लॉट पे तो हम ये जो है जिंदगी किया करते थे एक ज़माने में, पर इस वक्त ऐसा लगा जैसे स्क्रिप्ट भी है ही नहीं। वीक तो अलग बात है, स्क्रिप्ट है ही नहीं। चित्राशी, यू डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब दिस टाइम एंड विद अ वेरी हैवी हार्ट। आई हैव टू से दैट इट वाज नॉट लाइक दे सेड, नॉट टू माय लाइकिंग आल्सो, एंड आई एम गिविंग यू अ 6, आई थिंक जेनरसली। आई गिव यू अ 6। बहुत हैवी हार्ट से मैं आपको 6 दूंगा। 6 पॉइंट्स। थैंक यू रहमान, थैंक यू चित्राशी। विमेन, याद रखिए, आप किसी मर्द को बदल नहीं सकती अनटिल अनलेस ही इज इन हिज डायपर्स। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। पर हमारा आखिरी एक्ट
पूरा 20 है, जहां रेडियो जॉकी जूही ले रही है पुराने एक्टर्स का इंटरव्यू। करने आ रहे हैं इस राज का पर्दाफाश जूही और वीआईपी। गुड इवनिंग बहनों और बहनों, ये है रेडियो तिरछी और मैं हूँ अमीना शयानी, और आज हम इस देश की महिलाओं के लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम। अभी तो मैं जवान हूँ, वही पुरानी दुकान हूँ, जी हाँ, जहाँ आप मिल सकते हैं उन कलाकारों से जो अपने जमाने में हसीनाओं के सपनों के राजा हुआ करते थे, और उनसे बातचीत कर सकते हैं हमें फोन करके। देखिए ये सुनते ही काका के लिए फोन आ गया है, और ये फोन है हमारे काका जी के लिए। अरे तो बात कराओ ना भाई। एला, एला, ये तुम राजेश खन्ना बोलता है? अरे हाँ रे। तुम वही राजेश खन्ना बोलता है ना, जो वो ट्विंकल का पापा और वो अक्षय कुमार का ससुर है? अरे हाँ रे, हाँ रे, हम वही बोलता ना कि तुम कौन, कही तुम पुष्पा तो नहीं हो ना? पुष्पा नहीं, पुष्पा नहीं, मैं कांता बाई बोलती है। 3 महीने से पगार नहीं दिया मेरा। मोबाइल भी बंद करके बैठे ला है, मेरा पगार देना सीधे सीधे। थैंक यू वेरी मच एंड यस, येट अनदर कॉल, और ये है देव साहब के लिए। बात कराइए, बात कराइए, जल्दी बात कराइए। हेलो, मैं पुष्पा की दादी बोल रही हूँ। ये तो देव साहब के लिए ही फोन है। अरे देव आनंद, तेरे बाल हवा में अब भी क्या वैसे ही उड़ते हैं? इसके बाल तो कब के उड़ चुके हैं, इसके विक्की बाल भी सफेद हो चुके हैं। क्या जवाब दिया है आपने, माइंड ब्लोइंग। एंड अनदर कॉल, दिस टाइम इट इज फॉर आवर गरम धरम। क्या बात है, मेरा भी फोन आ गया, और मेरा भी फोन आ गया, मेरा भी फोन आ गया। लेकिन औरतें आज भी मेरी फैन है। मुझे तो लगा था कि सनी और बॉबी की एक्टिंग देखकर वो मुझ पे गुस्सा होती होगी। अच्छा जल्दी से मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक क्या है? ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो कुत्तों का खून पीते हैं। और अब आ रहा है अगला कॉल, जो है राजेंद्र कुमार जी के लिए। जी बात करवाइए। हेलो, अच्छा चलिए आप यही बता दीजिए कि आप तो इतने बड़े स्टार थे, तो आपका बेटा थोड़ा भी स्टार क्यों नहीं बन पाया? वो मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं गया, उसे 2-4 फिल्में क्या मिल गई, उसमें उसने एक्टिंग कर दी, एक्टिंग। और हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अगर आप में से कोई कुछ भी कहना चाहता है तो जाने से पहले कह सकते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ मिस, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे साथ तुमने ये 3 बूढ़ों को क्यों रखा? इसने हमें बूढ़ा कहा है, इसे आज हम छोड़ेंगे नहीं। रुक जा कुत्ते। और स्टूडियो में गर्मागर्मी शुरू हो गई है। धर्म जी, राजेंद्र जी, काका जी मिलकर पकड़ना चाह रहे हैं देवसा को, लेकिन वो इतना हिल रहे हैं, अरे हिलता कितना है, पकड़ में भी नहीं आता। अरे रुक जा। अरे भाई कोई हमें तो मारने दो, मेरे भाई अकेले मार रहे हो, कम से कम गुस्सा तो मारने दो मेरे। और ये सुनते ही धर्म जी ने पास किया देव साहब को राजेश जी के पास, और काका जी ने शुरू कर दी रोमांटिक फाइटिंग। अरे ढिसुम रे, अरे ढिसुम रे, अरे ढिसुम रे, अरे ढिसुम, अरे ढिसुम, 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 फेंका उन्हें फिर से धर्म जी के पास, और ये धर्म जी ने उन्हें उठका पटका लटका मटका और गिरा दिया जमीन पर। ये था आपको देखा हाल 4 एक्टर्स के बीच हुई प्यार भरी मुलाकात का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा महिलाओं, हमें जरूर बताइएगा फोन करके या फिर लिख के या कुछ भी करके, लेकिन फिलहाल हमारा प्रोग्राम खत्म। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज हेल्प मी। तो फरीदा जी, इस किट के लिए तो बिल्कुल ही ग्रीन ही ग्रीन ही ग्रीन। लेकिन जहाँ तक आपकी वर्सिटैलिटी है, मिमिक्री में तो आपका कोई जवाब ही नहीं, यू आर एक्सीलेंट इन दैट। लेकिन आई थॉट स्क्रिप्ट लेवल पे ज़रा काफ़ी झोल था। मुझे ऐसा लगा कि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर का कोई स्किट देख रहा हूँ। आई गिव यू अ 6। आप उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, स्क्रिप्ट लेवल इट डिड नॉट वर्क, सो अगेन आई एम गोइंग टू बी जेनरस एंड गिव अ 6 पॉइंट्स। पहली बार मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मज़ा नहीं आया, आई एम सॉरी। इसको ऐसे देख लीजिए। 6 पॉइंट्स।
थैंक यू वीआईपी, थैंक यू जूही, थैंक यू, थैंक यू. सारे एक्ट्स हुए खत्म एंड फाइनली इट्स शो टाइम. आ गया है वक्त ये जानने का कि हमारी छह कमबैक जोड़ियों में से वो कौन सी चार जोड़ियां हैं जो कॉमेडी सर्कस में आगे कम्पीट करेंगी, और वो कौन सी दो जोड़ियां हैं जो अनफॉर्चुनेटली आज इस शो को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी. तो चलिए कटघरे में बुलाते हैं हमारी सारी कमबैक जोड़ियों को. कैन आई प्लीज हैव ऑल सिक्स कमबैक जोड़ीज ऑन स्टेज. जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते के और इस हफ्ते के मार्क्स को जोड़कर डिसाइड किया जाएगा कि कौन वो दो जोड़ियां हैं जो आज हमें छोड़कर चली जाएंगी. दोनों हफ्तों के जजेस स्कोर्स और ऑडियंस मार्क्स के आधार पर वो पहली जोड़ी जो सेफ हैं, वो जोड़ी हैं राजेश एंड राजीव. आप सेफ हैं, प्लीज ज्वाइन द सेफ जोड़ी. जोरदार तालियां. तीन सेफ और दो अनसेफ. तो वो दूसरी जोड़ी जो आज सेफ हैं और जो कॉमेडी सर्कस की रेस में आगे बढ़ेंगी, वो जोड़ी हैं शायंतनी एंड कुलदीप. प्लीज जॉइन द अदर सेफ जोड़ीज. जोरदार तालियां कुलदीप और शायंतनी के लिए. बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड है. 50-50, दो जोड़ियां हैं सेफ और दो हैं अनसेफ. मैं एक बात सारी जोड़ियों को बताना चाहूंगी कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के मार्क्स को मिलाकर आप सबके बीच ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स का अंतर है. इट्स बीन अ वेरी क्लोज फाइट. तो देखना यह है कि आप चारों में से कौन सी दो जोड़ियां आज हमें छोड़कर चली जाएंगी. जूही वीआईपी, तो आपकी दिल की चाहत पूरी हुई, आप सेफ हैं, प्लीज जॉइन द अदर जोड़ीज. अब बची हैं सिर्फ तीन जोड़ियां जिनमें से सिर्फ एक सेफ हैं. तो अब देखना यह है कि आप तीनों में से वो कौन सी दो जोड़ियां हैं जिसे हमारे जजेस और हमारे ऑडियंस के मार्क्स नहीं बचा पाए. आज की पहली अनसेफ जोड़ी है आकाशदीप एंड परवेज. वे सो सॉरी, आप हमें आज यहीं पर अलविदा कहकर चले जाएंगे. अब बची हैं सिर्फ दो जोड़ियां, एक सेफ और एक अनसेफ. वो जोड़ी जो हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ अगले एपिसोड में यहां पर दोबारा परफॉर्म करेगी, वो जोड़ी हैं सुचेता एंड सलीम. अफसोस रहमान एंड चित्राशि, आप हमारे साथ अगले एपिसोड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमें आज आप यहां अलविदा कहकर वापस चले जाएंगे. सुचेता एंड सलीम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन द अदर सेफ जोड़ी. आकाश एंड परवेज, चित्राशि एंड रहमान, मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे कितना बुरा लग रहा है ये हॉरिबल काम करते हुए. आई फील टेरेबल, आई हैव टू डू दिस. चित्राशि एंड रहमान, आकाशदीप और परवेज, अफसोस कॉमेडी सर्कस के साथ आपका सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है. आकाश, जाने से पहले प्लीज़ बताइए कि ये दो हफ्तों का आपने जो सफ़र आगे बढ़ाया है, आपके लिए कैसा रहा? किस्मत की बात है, कोई है कोई नहीं है, पर हम सब यहीं हैं, सांसें ले रहे हैं, आगे फिर लेंगे और अच्छी बड़ी बड़ी सांसें लेंगे, आगे बढ़ेंगे. मैंने जितना भी सफ़र गुजारा बहुत ज़बरदस्त था. ये ज़िंदगी की आखिरी जंग है नहीं. थैंक यू वेरी मच. एक बार फिर जोरदार तालियां आकाशदीप और परवेज के लिए. चित्राशि एंड रहमान, मर्जी है मौला, कबूल है. यहाँ आके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू वेरी मच जजेस एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. जोरदार तालियां चित्राशि और रहमान के लिए. थैंक यू, थैंक यू. सेलिब्रेटिंग वुमनहुड, सेलिब्रेटिंग ऑल आर सेफ जोड़ीज.
क्यों ना इस पल को एंजॉय करें इन अ ट्रू कॉमेडी सर्कस वे. तो शकील भाई आइए, सबको जलील कीजिए. मैं यहाँ पे चंद औरत बैठी हुई. अब जूही जी, आप हमारे पाकिस्तान में हो तो सारे मशहूर हैं, शेखर भाई, सतीश भाई, अर्चना जी, फरीदा जी, सभी मशहूर हैं. लेकिन आपकी कुछ लाइकिंग अलग है आजकल, क्योंकि आपके ड्रामों की वजह से. खुदा के वास्ते अपने ड्रामे बंद कर दें. मंडे से लेकर थर्सडे तक मर्दों को खाना नहीं मिलता वहाँ पे, वही फ्राइडे तक बच्चे फेंक के आपको देखती है हमारी औरतें. अल्लाह उनको अकल दे, अल्लाह का पता लग जाता आप क्या होने वाले, लेकिन फिर भी देखेंगे. नहीं देखने दो ना, आपको जरा सदमा हो, हमारी औरतें टकरे मार रही थी दीवार पे. आए कुमकुम को क्या हो गया? कुमकुम तेरी फुप्पी की बेटी है, रोटी दे. जनाजे लेट करा देती हैं आप. या मैया तो रोक लो, तेरा कुमकुम आ रही है. याददाश्त चली गई उसकी यार, ये तो फिर दफना के आ जाएंगे. क्या हो गया? उसकी याददाश्त चेक करने दो. और यार पहली औरत है जहाँ आपके घर में कोई झगड़ा होता है, तीन दिन की नोटिस पे आप वकील बन जाती है. पढ़ती भी नहीं और वकील बन जाती है. ये कौन सी वकील है? क्या आपको ख्वाब सपने आते हैं? वकालत की. आपके घर का झगड़ा, आप वकील बन जाओ. अच्छा मैं वकील हूँ. अरे मेरा दोस्त बच गया तू. तूने मुंह के मैचिंग से तूने टोपी पहनी हुई है. तू टोपी छुपा, मुंह छुपा रहा, फिर भी लग रहा तेरा मुंह है. देख कैसी बात है. ऐसे आदमी जाते हैं खून देने के लिए. ये भी खून देने गया था, इसको भगा दिया. बोले हम खून लेते हैं, डीजल नहीं लेता, दफा हो जाएगा यहाँ से. इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. ड्रेस ड्रेस है? ड्रेस ड्रेस इसकी ड्रेस क्या, इसका क्या ड्रेस है? एक झोला लेती है, ऊपर से काटती है, नीचे से काटती है, दो धागे लगाती है, पहन के आ जाती है. जोरदार तालियां शाने शकील के लिए. जाइए ना. हाँ हाँ जाइए ना, हो गया आपका तो खड़ा होना. चलो खत्म करो. नहीं चलो जल्दी करो, मुन्ना रो रहा होगा. क्या हुआ?